एंजाइम स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एंजाइम एक ऐसी एंटिटी होती है जो वर्क जब भी करती है तो वो स्पेसिफिकली वर्क कर रही होती है, ठीक है। और एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इसी वजह से कहा जाता है इनको कि ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है, कि ये अपने सबस्ट्रेट के अलावा अगर इनको कुछ भी कर दिया जाए तो ये किसी और चीज के साथ इंट्रेक्शन नहीं करते, ठीक है ना। दे आर ओनली इंटरेक्टिंग विद वन आर फ्यू सबस्ट्रेट एंड कैटलाइजिंग ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक या ज्यादा सबस्ट्रेट को, एक से ज्यादा एक दो तीन सबस्ट्रेट को कर सकते हैं और उसी को हमारे पास जो है उनके साथ ही केमिकल रिएक्शन करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करते। और उसकी वजह कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू कंप्लीट फिटिंग ऑफ एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट, कि आपके पास एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट आपस में कंप्लीटली फिट हो जाते हैं, इस वजह से हमारे पास जो है एंजाइम की ये जो हमारे पास स्पेसिफिसिटी होती है वो हमारे पास मिलती है हमें। अब इस केस में हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट थ्योरीज भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है, हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, माइकलिस मेंटेन थ्योरी है, और हमारे पास डिफरेंट अदर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आए थे, वो हम एंजाइम स्पेसिफिसिटी के हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जाम्पल है कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं, दे डू नॉट कैटलाइज हाइड्रोलेज रिएक्शंस। हाइड्रोलेज रिएक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और एंड हाइड्रोलेज डू नॉट कैटलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमेशा क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं करेंगे, और हाइड्रोलेजेस जो है वो हमेशा क्या है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर सकते हैं, वो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे। ये क्या होता है, वजह क्या होती है इसमें, एंजाइम स्पेसिफिसिटी का इसका रीजन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी किस तरह से हमें मिलती है तो वो बेसिकली पांच चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो पांच चीजें क्या हैं, सबसे पहले बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी एंड ड्यूअल स्पेसिफिसिटी। तो ये पांच चीजें हैं जिनके ऊपर आपके किसी भी एंजाइम की जो है हमारे पास स्पेसिफिसिटी डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी को। इन दिस टाइप एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट्स, हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं, सबस्ट्रेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कंटेन द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, कि वो सिर्फ उसके ऊपर अटैक करेंगे कि हमारे पास जिनके अंदर जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है और उनके अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड मीन उसके सेम सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स मौजूद है, सिर्फ वही सबस्ट्रेट, बाकी कोई सबस्ट्रेट नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइलेज एंजाइम है जो कि हमारे पास एक्ट किसके ऊपर करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है जी कि आपके पास इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनकी कंफर्मेशन क्या है, अल्फा कंफर्मेशन है। तो आपने क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए जी कि अल्फा और बीटा कंफर्मेशन क्या होती है। तो सिंपली मैं एक दफा दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि जब भी आपके ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो उनकी हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन होता है, दिस वन कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन ये बात करें कि ऑक्सीजन ये मौजूद है और फर्स्ट कार्बन मीन उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन बनता है उसको एनोमेरिक कार्बन हम बोलते हैं। तो उसके ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट किस तरह से, अगर कि ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास ऊपर अपवर्ड ऊपर वाली साइड पे हो और यहाँ अगर के हमारे पास हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे हो तो हम इनको दोनों केसेस में इनको डिफरेंट नाम देंगे, ठीक है। अब अगर के हमारे पास ऊपर वाली साइड पे है देन इट विल बी टर्म्ड एज अल्फा, अगर के हमारे पास हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे है तो देन इट विल बी टर्म्ड एज बीटा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो हमारे पास दिस अल्फा रिप्रेजेंटिंग जी कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं उनकी कंफर्मेशन कौन सी है, अल्फा कंफर्मेशन है, ठीक है। तो पहली चीज अमाइलेजेस व्हिच एक्ट ऑन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग दीजिए ग्लूकोज कौन सी नेचर का है, अल्फा ग्लूकोज है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के दरमियान क्या मौजूद है, आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। इन द स्टार्च डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन क्या होता है जी कि स्मॉल शॉर्ट जो स्ट्रक्चर जो हमारे पास ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च बनती है उनको हम क्या बोलते हैं डेक्सट्रिन। इसमें अप टू 10 मॉलिक्यूल आपके पास मोनोमर्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। और डेक्सट्रिन आपके पास ग्लाइकोजन की वजह से भी बनते हैं। अब क्या है कि ये हमारे पास माइलेजेस सिर्फ और सिर्फ इनकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। जिसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है ये उसके ऊपर एक्ट नहीं करते। अब क्या करूं मैं, फॉर एग्जांपल हम इसी चेन में मैं इसकी कंफर्मेशन चेंज कर देता हूं और मैं इसकी कंफर्मेशन चेंज करते हुए एक स्ट्रक्चर की सेंसेस करता हूं जिसके अंदर मैं क्या करता हूं जी कि मोनोमर्स मेरे पास जो है वो मैं कौन से यूज करता हूं, मेरे पास मैं कहता हूं जी कि बीटा मोनोमर्स हैं, ठीक है। तो बीटा मोनोमर्स में हाइड्रोजन नीचे चला गया और यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जो बॉन्ड बनेगा वो अब क्या बनेगा, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब क्या हुआ, अब नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो गई है।
जब नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज होगी ये तो अब ये अल्फा के बजाय क्या होगी, ये बीटा, अब भी आपका एंजाइम एक्ट नहीं करेगा इस पे। सो दैट इज व्हाट डू यू से बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, कि आपका एंजाइम हमेशा अपने स्पेसिफिक बॉन्ड के ऊपर रिएक्ट करता है, वो कभी भी हम जो है इसके अलावा किसी और चीज को टारगेट नहीं करेगा। दैट इज योर बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, कि वो जब भी उसको स्पेसिफिक बॉन्ड मिलेगा उसके ऊपर वर्क करेगा, स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं करेगा। Another thing is group specificity. Group specificity में क्या होता है जी, कि हमारे पास in this type of specificity the enzyme is specific not only to the type of bond but also to the structure around surrounding it. बॉन्ड को तो वो देखेगा ही देखेगा, मगर वो साइड पे जो है हमारे पास किसको देख रहा होता है, स्ट्रक्चर को भी देख रहा होता है कि आया जी स्ट्रक्चर किस तरह की है, मैं उसके ऊपर टारगेट कर रहा हूँ वो वाकई में इस काबिल है कि या वो स्ट्रक्चर वही है जिसके ऊपर मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके पेप्सिन किया। पेप्सिन क्या करता है, हमने क्या कहा जैसे कि पेप्सिन एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है, ठीक है। एंडोपेप्टिडेज का मैं आपको पहले भी अभी जैसे बता चुका हूं कि हमारे पास वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं साइड से अटैक करते हैं, मीन आपके पास हमेशा टर्मिनल से हमेशा क्या करेंगे मोनोमर्स को टारगेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास पेप्सिन क्या है, हमारे पास एंडोपेप्टिडेज मीन इंटरनली हमारे पास कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, सॉरी वो एक्सोपेप्टिडेज हो जाता है। एंडोपेप्टिडेजेस वो पेप्टिडेजेस हैं जो कि हमारे पास किसी भी जो है इंटरनल बॉन्ड के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर टर्मड एज एंडोपेप्टिडेजेस। दैट हाइड्रोलाइज सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये क्या करते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड विद द अमाइनो ग्रुप बिलोंग टू द एरोमेटिक अमाइनो एसिड, कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप जिसके साथ किसके साथ होगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा, जो जिसके साथ एरोमेटिक ग्रुप होगा दैट इज फिनाइलएलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। तो जहां जहां पे आपके पास क्या आएगा फिनाइलएलानिन आएगा टायरोसिन आएगा ट्रिप्टोफेन आएगा, ये तीनों क्या है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो आपका पेप्सिन वहां वहां जाके हमारे पास क्या करेगा हमारे पास डिग्रेडेशन करेगा, मीन वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा। होता किस तरह से अब इसको हम देखते हैं कि आपके पास मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ग्लाइसिन था, फिर आपके पास मैं कहता हूँ एलानिन आ गया, फिर ग्लाइसिन है, फिर ग्लाइसिन है, फिर ग्लाइसिन है, फिर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी ट्रिप्टोफेन आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी हमारे पास वेलिन आ गया, फिर हमारे पास क्या कहता हूँ जी टायरोसिन आ गया, ठीक है। अब क्या होगा पहला बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से हम देख रहे हैं जी, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड दिस इज द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो वो जब यहाँ से सर्च करना शुरू करेगा वो कहेगा जी अच्छा ये एनालिन, यहाँ से वो पहला कट लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा अगर वो ऑप्शन देखता है तो वो दूसरा उसको प्रेफरेंस यहाँ पे आएगी जी आफ्टर ट्रिप्टोफेन, ठीक है। और थर्ड जो उसकी प्रेफरेंस होगी बिटवीन वेलिन एंड टायरोसिन। तो यहाँ जहां जहां उसको ये तीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड मिलेंगे, बल्कि चेन के अंदर जहां पे भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड होंगे वो वहां पे क्या करेगा कट लगाने की कोशिश करेगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्रुप स्पेसिफिसिटी, वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को देखते हुए वहां पे हमारे पास क्या करता है वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग करवाते हैं। अच्छा अब क्या है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी द एंजाइम्स एक्ट ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट, ये क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट के साथ डील करते हैं, इनका कभी भी सबस्ट्रेट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल यूरिकेज एक एंजाइम है व्हिच ओनली एक्ट ऑन यूरिक एसिड, वो कभी भी यूरिक एसिड के अलावा किसी और के ऊपर एक्ट नहीं करता, दैट इज वाई कि वो उस यूरिक एसिड को फिर फौरी तौर पे इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और यूरिकेज फिर उसको कन्वर्ट करता है एलीटॉइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मीन उसकी डिग्रेडेशन में हमारे पास हेल्पफुल होता है यूरिकेज एक तरह से यूरिक एसिड की। और ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है आपके पास किसके अंदर आपके बर्ड्स के अंदर होता है कि जब उनके अंदर हमारे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो इसको इस तरह से हमारे पास डिग्रेड कर सकते हैं। अब क्या है अनदर एग्जांपल है जी माल्टेज, जिसके हमारे पास क्या है माल्टेज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है माल्टोज के ऊपर एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये माल्टोज उसको मिलेगा तो वो उसके ऊपर एक्ट करेगा, एमाइलेज जो है वो उसको ने तो कुछ भी नहीं देखना, उसने सिर्फ मोनोमर्स को डिग्रेड करना है, वो उसका अल्फा 1-4 बॉन्ड देखना है, वो बॉन्ड स्पेसिफिक था। जबकि माल्टेज क्या होगा कि जब तक उसको माल्टोज नहीं मिलेगा वो कभी भी डिग्रेडेशन नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज द अनदर स्पेसिफिसिटी फीचर दैट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं ऑप्टिकल एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हम सबसे पहले हम आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं, आइसोमर्स होते हैं, एपीमर्स होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं, और उसमें हम बात कर रहे होते हैं जी दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर विद द सिमिलर केमिकल फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जिस तरह से हों कि वो ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स हों, जैसे हमारे पास हम अल्फा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की बात करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं आपस में, ठीक है। तो हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी द एंजाइम इज नॉट स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट बट also to its optical conformation.
आपके पास वो ना तो सिर्फ जो है एल ग्लूकोज के लिए हमारे पास वो वर्क कर रहा हो, बल्कि वो डी ग्लूकोज के भी ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि वो उसका क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो सच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर, उनकी जो स्पेसिफिसिटी होती है उसको ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिक एंजाइम भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी उसको फीचर को भी हम कहते हैं। जैसे हमारे पास डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, इट ओनली एक्ट ऑन डी अमाइनो एसिड, ठीक है। एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है एक्ट ओनली ऑन एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम है वो ऑक्सीडेज है, मगर क्या है, दोनों के केस में हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ये हमारे पास एक को एल अमाइनो एसिड डी चाहिए और दूसरे को हमारे पास क्या चाहिए, एल अमाइनो एसिड चाहिए। हालांकि दोनों हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल अमाइनो एसिड्स हैं, ऑप्टिकल उनको करना चाहिए मगर वो नहीं कर पाते। तो इसमें हम केस में देखते हैं जो हमारे पास नॉर्मल फिर कार्बोहाइड्रेट्स का केस आता है, दैट इज ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, उसमें हमारे पास वो वर्क दोनों के ऊपर कर रहे होते हैं, जबकि इस केस में हमने देखा दोनों के लिए हमारे पास वो डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंट तरह से हमारे पास जो है हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेंगे। फाइनली हमारे पास डुअल स्पेसिफिसिटी आ जाती है, एंजाइम मे एक्ट ऑन वन सबस्ट्रेट बाय टू डिफरेंट रिएक्शन टाइप्स, कि वो हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क कर रहा है मगर उसकी मर्जी है कि वो दो तरह से डिफरेंट तरह से वर्क कर सकता है। दो तरह डिफरेंट तरह से वर्क करने का मतलब क्या है कि वो हमारे पास एक ही एंजाइम हमारे पास जो है हमारे पास क्या करता है, वो एक सबस्ट्रेट है आइसो सबस्ट्रेट, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन, कि वो इसी आइसोसिट्रेट को पहले कन्वर्ट करता है ऑक्सैलोसक्सीनेट में और फिर ऑक्सैलोसक्सीनेट को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। तो मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पास डुअल स्पेसिफिसिटी वर्क कर रहा है, कि वो हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट को दो हमारे पास रिएक्शंस में कन्वर्ट करता है, और वो आइसोसिट्रेट के लिए भी हमारे पास उसी तरह से स्पेसिफिक है जिस तरह वो ऑक्सैलोसक्सीनेट के लिए स्पेसिफिक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपना सबस्ट्रेट जो होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। The enzyme may act on two substrate by one reaction. वो एक इकट्ठे ही दो सबस्ट्रेट के ऊपर वन रिएक्शन के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, दैट इज डुअल स्पेसिफिसिटी जिसमें हम कहते हैं। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज पहले हाइपो ज़ैंथिन को कन्वर्ट करता है ज़ैंथिन में और फिर ज़ैंथिन को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिक एसिड में। ये हम पढ़ चुके हैं इन द न्यूक्लिक एसिड डिग्रेडेशन में। तो हमारे पास दोनों केसेस में क्या होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज ही वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास बेसिकली डुअल स्पेसिफिसिटी की अनदर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक सबस्ट्रेट को वो दो रिएक्शंस में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड था।